दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर नगमा अख्तर ने बताया कि बीते रविवार को यूनिवर्सिटी में हंगामे की शुरुआत कैसे हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए नगमा अख्तर ने कहा कि जामिया के चारों तरफ जो कॉलोनी है वहां से कॉल आया था मार्च करने के लिए। जब कुछ लोग यूनिवर्सिटी के सामने वाली सड़क से गुजरते हुए वहां गए तो वहां जाकर उनकी पुलिस से झड़प हुई। उस झड़प के बाद जब पुलिस ने उन्हें दौड़ाया तो वो दौड़ते हुए उसी सड़क से वापस आए और फिर वो विश्वविद्यालय के गेट तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने वहां तैनात गार्ड को भी धक्का दिया। इसके बाद इनमें से कुछ लोग जामिया की लाइब्रेरी में घुस गए। पुलिस भी इनके पीछे दौड़ती हुई लाइब्रेरी के अंदर घुस गई। लाइब्रेरी में हमारे छात्र पहले से बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ये समझ नहीं पाई कि इनमें से वो कौन से छात्र हैं जिनका वो पीछा कर रहे थे और वो कौन से छात्र हैं जो पहले से यहाँ पढ़ रहे थे। इसलिए वैसे छात्र जो सही थे और पहले से अंदर बैठे हुए थे उनके साथ भी मारपीट हुई है और उन सब का इलाज जामिया कर रहा है। इन सब के इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। आगे उन्होंने बताया कि इस वक्त इतना अफरा तफरी और भाग दौड़ का माहौल था कि पुलिस को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से अनुमति लेकर अंदर दाखिल हो। अगर पुलिस के पास इतना वक्त होता तो हम अपने प्रॉक्टर को साथ भेजते जिससे कि उन छात्रों की पहचान हो पाती जो बाहर से लाइब्रेरी में आए थे, लेकिन पुलिस ने अंदर दाखिल होने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। आज के जो इंसिडेंट था उसके कोई कॉल जामिया ने नहीं दी थी, जामिया के स्टूडेंट्स ने नहीं दी थी जो ऑलरेडी अपने घर जाने के मूड में थे और छुट्टी भी थी आज हमारे। मगर मुझे मालूम हुआ है, सब बताया गया है कि जो कॉलोनीज हैं जामिया के चारों तरफ वहाँ से एक कॉल आया था मार्च करने के लिए। टुवर्ड्स जो लेना वो लोग गए मार्च करते हुए कॉमन सड़क के ऊपर, तो हमारी सामने से गुजरते हैं ना वो यूनिवर्सिटी की कॉमन सड़क है, वहाँ से वो लोग गए और वहाँ जाके उनकी पुलिस से झड़प हुई। उस झड़प के बाद पुलिस ने उनको दौड़ाया वापस, तो वो दौड़ते हुए भी इसी सड़क से वापस गए जिसके दोनों तरफ जामिया है, तो वो हमारा गेट तोड़ते हुए जामिया का और हमारे गार्ड को धक्का देते हुए अंदर घुसे। उसमें से कुछ लोग जामिया की लाइब्रेरी में घुस गए। लाइब्रेरी में हमारे स्टूडेंट्स खुद पहले से बैठे हुए थे और पुलिस उनके पीछे इतनी तेज़ घुसी अंदर कि बच्चे समझ भी नहीं पाए और पुलिस भी नहीं समझ पाई कि इनमें से कौन आदमी है जिसका वो पीछा कर रहे थे और कौन आदमी है जो यहाँ पढ़ रहा था। इसलिए उनके अंदर यहाँ बैठे हुए जो जेन्युइन बच्चे थे उनके साथ भी मारपीट हुई है और उनके सबका इलाज जामिया करा रहा है, हमारी जिम्मेदारी है वो। और उसमें क्या पुलिस ने आपके प्रशासन से परमिशन ली, क्योंकि उसमें कई सारे आपके स्टाफ भी घायल हुए, छात्र भी घायल हुए, उस समय इस तरह का माहौल बन गया था, इसको लेकर क्या? मुझे लगता है कि इतनी अफरा तफरी थी, इतनी भाग दौड़ थी कि उनको टाइम नहीं मिला होगा हमसे परमिशन लेने का, इसलिए हमसे परमिशन तो उन्होंने नहीं ली। और अगर होती तो हम अपने प्रॉक्टर को साथ में भेजते और वो पहचानते इनमें से जो लोग हैं जेन्युइन या नहीं है उनको वो पहचानते, मगर उन्होंने हमसे परमिशन ली नहीं थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हिंसा के बाद आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज के विरोध में शर्ट खोलकर प्रदर्शन कर रहे छात्र शहजाद ने वहां मौजूद लोगों की बात मान ली है। करीब दो घंटे बाद शहजाद ने कंबल ओढ़ लिया है। शहजाद छात्रों के ऊपर हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ कड़कड़ाती ठंड में यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन कर रहा था। शर्ट उतार कर बैठ छात्र धरना खत्म करते हुए कहा कि इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच हो। शहजाद को जामिया के छात्रों के अलावा वहां मौजूद कुछ अन्य बुजुर्गों ने भी धरना खत्म करने को कहा था। जानकारी के मुताबिक बता दें कि शहजाद ने करीब दो घंटे बाद कंबल ओढ़कर धरना खत्म किया। वो लाइब्रेरी में कथित हिंसा करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहता था। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर कहा कि लाइब्रेरी की हिंसा में वे शामिल नहीं थे।